हेलो दोस्तों, मैं हूं रॉयल लफी और आप देख रहे हैं रॉयल लफी 01 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम नहीं है, बट आपको दिखाया जाएगा कि आखिर वो चीज़ है क्या और ये किस लिए होता है, कंपनी ने क्यों दिया है ये। तो आप सबके पास रॉयल इनफील्ड है, लेकिन आपने नोट नहीं किया होगा कि ये चीज़ किस लिए दी है कंपनी ने गाड़ी के अंदर, बट इसका काम क्या होता है। तो आज हम वो आपको बताएंगे कि इसका काम होता क्या है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो थोड़ा कैमरा लाइए इधर। तो दोस्तों, आप ये हॉल देख रहे हैं, इसका ये आप देख रहे हैं, लगभग सभी गाड़ियों में है ये। रॉयल इनफील्ड की जितनी गाड़ियां हैं यूसी इंजन सबके अंदर है, आपकी गाड़ी में भी ये हॉल है। तो क्या आपने देखा इसका क्या काम है? तो आज हम आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअली काम होता क्या है। तो दोस्तों, हमने ये गाड़ी कल रात को वॉशिंग करवाई थी। अब वॉशिंग कराने के बाद हुआ क्या, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ से हमें ये गाड़ी पैदल लेके आनी पड़ी, फिर हमने वर्कशॉप में इसको लाया कि इसको सुबह स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम यहीं पर है इसमें। इसमें हुआ क्या, थोड़ा इधर ला, ये जो हमारा एडाप्टर है, प्लग की जो जगह है, यहाँ पे जो स्पार्क प्लग लगेगा हमारा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और ये हॉल जो होता है ये वाला, इसका काम क्या होता है, यहाँ के पानी को वापस यहाँ पर निकालना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें से पानी कैसे निकलता है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये वाला हॉल हमारा बिल्कुल बंद है, इसकी वजह से इसमें से पानी नहीं निकला। तो अब हम इसका पानी निकालते हैं। और इसमें करना क्या है, ये हमारा क्लच का वायर है, तो इसे हम साफ़ करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये, बट साफ़ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा घुस गया इसमें एक तार, और अब तो पानी यार निकलना चाहिए। देखो, ओ भाई, थोड़ा करीब लेके आओ, एक एक बूंद आ रहा है इसमें से, तिल्ली तिल्ली हो रही है। इसकी वजह से चाली गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत बुद्धि ख़राब करी है इसने भाई। ओ भाई देखो, हम कहें यार गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, बट इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी ये। तो अब हम इसमें एक बार एयर मार देते हैं। ये तो हो गया भाई क्लियर। तो दोस्तों, आपने देखा, सिर्फ एक हॉल बंद होने की वजह से इतनी बड़ी रॉयल इनफील्ड बंद हो गई। और ये चली ही नहीं, स्टार्ट कैसे होगी, क्योंकि एडाप्टर के अंदर पानी आ गया। जब एडाप्टर के अंदर पानी आ गया तो स्पार्किंग हो नहीं रही है उसमें, इसीलिए गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हुई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद है मैम, कि ये हॉल एक्चुअली किस काम के लिए दिया है। तो ये बंद हो जाने से आपकी रॉयल इनफील्ड बंद भी हो सकती है वॉशिंग कराने के बाद। तो ये मैकेनिक ही नहीं, बल्कि आप एक रॉयल इनफील्ड के ओनर हैं तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आप आराम से घर भी साफ़ कर सकते हैं इसके लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसा वायर, ऐसा नहीं, ऐसे इसके जैसा कोई दूसरा वायर है होना चाहिए, जो हॉल के अंदर डालते ही साफ़ कर दे बिल्कुल एकदम। और बस मेरा कहने का मतलब यही है कि ये छोटी सी ट्रिक अगर आपके कुछ काम आती है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं रॉयल इनफील्ड से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।